अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू घर प्लान्स। मैं हूं आपकी आर्किटेक्ट मेमना मंजर। सो जस्ट लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट वॉशरूम रेनोवेशंस। वेरी स्पेसिफिकली हम जब भी रेनोवेशन की बात करते हैं तो हम घर के किसी एक एरिया को रेनोवेट करने की बात कर रहे होते हैं, या हम जनरली घर की रेनोवेशन से ज़्यादा कंसर्नड होते हैं। बाथरूम की रेनोवेशन पे ऐसा आज कोई इतनी बात नहीं करता, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके घर का। और अगर आपके वॉशरूम सही से फंक्शन नहीं करे तो वो अल्टीमेटली आपके पूरे घर की एक्टिविटी को जो है इफ़ेक्ट करता है। पहली बात कि जब भी आप डिज़ाइन करवा रहे हो, इन द फर्स्ट प्लेस कोशिश तो यही होनी चाहिए हर किसी की कि आपके वॉशरूम सही से डिज़ाइन हुए हुए हों, कमरे सही ना डिज़ाइन हुए हुए हों। उसमें कहीं ना कहीं फिर आपके पास मार्जिन होता है कि यू कैन लेटर ऑन काइंड ऑफ केटर टू दैट, कि आप उन चीज़ों किसी और तरीके से कवर कर लेते हैं। लेकिन बाथरूम, क्योंकि इट्स अबाउट प्लम्बिंग, पानी का बहुत इन्फ्लक्स होता है वहाँ पे, तो वो जो स्पेस होती है आपके घर की, दैट रियली नीड्स टू बी ऑन पॉइंट। अब हम बाथरूम रेनोवेशन की जब बात कर रहे हैं तो हम पहले ये देख लेते हैं कि रेनोवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपके वॉशरूम्स को। जो पहला पॉइंट है, दैट इज़ कि आपके प्लॉट की जो रीसेल वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली अगर आप अच्छे हालत में किसी को अपना, जब आप घर सेल कर रहे हो तो तब आपके वॉशरूम्स अगर बिल्कुल ठीक हैं, उनकी जो वैल्यू होगी वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होगी। सेकेंड बात आ जाती है कि एस्थेटिक अपील बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह आप घर के बाकी हिस्सों को चाहते हैं कि जी अपीलिंग लगे और लोग अट्रैक्ट हों, सो वॉशरूम इज़ अगेन अ स्पेस। उसको हम उस तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते कि जी जस्ट बिकॉज इट्स अ वॉशरूम, मे बी यू डू नॉट नीड टू डू मच इन दैट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बाथरूम सिर्फ मे बी इतना फोकस ना किया जाए, ये थोड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। तो उस लिहाज से आपकी जो विजुअल कह लें, विजुअल अपील अगेन आई वुड से, वो भी बाथरूम की उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि अगर तो आपके कोई सिवियर प्लम्बिंग के इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली आपको उनको फिक्स करवाना है, तो फॉर दैट यू विल बी नीडिंग रेनोवेशन। सो बाथरूम रेनोवेशन की जो चौथी रीज़न सामने आती है, दैट इज़ जस्ट टू स्टे इन ट्रेंड। जिस तरह आप बाकी घर को देखते हैं कि जी जो ट्रेंड है हम इसको फॉलो कर लें, कमरे को इस तरह से रेनोवेट करा लिया जाए, लॉबी को ऐसे कर लिया जाए, लाइकवाइज बाथरूम के भी कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टाइल लगाने की बात कर लें तो 7 फुट तक टाइल लगती है या 8 फुट तक लग रही है, जो कि नॉर्मल लिंटन लेवल तक आप अपनी टाइलिंग ले जाते हो। बट देन देर इज़ अ ट्रेंड कि आप फुल लेंथ टाइलिंग भी करते हो। जिस तरह मोज़ेक टाइल्स का एक बहुत कॉन्सेप्ट चला था जो कि अभी भी यूज़ होता है, कि देर इज़ अ सर्टन पैटर्न जो आप अपनी सेंटर लाइन में रन करते हैं, उसके ऊपर नीचे देर इज़ अ डिफरेंट सिंगल बिगर साइज टाइल। तो ये चीज़ें ट्रेंड में रहने के लिए भी आपको रेनोवेशन करवाने का चांस देती हैं। उसके बाद लास्टली एक और फैक्टर जिसकी वजह से आप करवाएं रेनोवेशन, सेफ्टी फैक्टर्स। अगर तो आपकी टाइल्स फ्लोर की स्लिपरी हैं, टूटी हुई हैं, सो यू डेफिनेटली नीड टू गो फॉर रेनोवेशन। सो ऑल दीज 5 फैक्टर्स आर स्मॉल रीजन्स के आप सोच सकते हैं दैट योर बाथरूम रियली नीड्स रेनोवेशन। तो बेसिकली व्हेनेवर आई टॉक अबाउट रेनोवेशन, मैं इसको 2 तरीकों से ही कैटेगराइज करती हूँ। एक होती है आपकी हाई एंड रेनोवेशन एंड द अदर इज़ योर कॉस्ट इफेक्टिव रेनोवेटिंग सॉल्यूशंस। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके बाथरूम या किसी भी स्पेस को किस लेवल की रेनोवेशन की ज़रूरत है। सो जैसे कि आप थंबनेल से देख सकते हैं, इट्स अबाउट ईजी वेज ऑफ रेनोवेटिंग योर हाउस। तो हम हाई एंड रेनोवेशन पर भी उस तरह से बात नहीं कर रहे, वी विल बी टारगेटिंग द ईजी इकोनॉमिकल वेज के जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, और उससे बहुत अच्छा फ़र्क भी आपको, एविडेंट फ़र्क नज़र आता है आपके बिफोर और आफ्टर वॉशरूम्स में। हाई एंड रेनोवेशन बेसिकली उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पे आपको मे बी पूरा पूरा बाथरूम तोड़ के बनवाना पड़े, दैट बेसिकली कम्स अंडर हाई एंड रेनोवेशन, जहाँ पे आपकी तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा होगी, आपके पाइप्स जो हैं ऑल इन ऑल और दोबारा से लग रहे होंगे, आप अपने जो फिक्सचर्स हैं सारे, फॉसेट्स हो गए, आपका वैनिटी टॉप हो गया, वो सारी चीज़ें आप फ्रॉम स्क्रैच रीडू करें। तो जब इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो डेफिनेटली एक हाई एंड चीज़ चली जाती है। एंड ऑल्सो हाई एंड में ये भी चीज़ मैटर करती है कि फिर आप क्या कहते हैं, टाइल्स या ऑल दीज फिक्सचर्स वो आप किस ब्रांड के लगवाना चाह रहे हैं, या हाउ ब्रांड कॉन्शियस आर यू। अब एक ही स्पेस में आप एक हाई एंड ब्रांड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर लोकल टाइलिंग, लोकल फिक्सचर्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स जस्ट
कॉन्सेप्ट कि आपके पास वो आँख होनी चाहिए जिससे आप डिटेल को देख सकें और एस्थेटिक्स को देख सकें, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द बाथरूम नीड्स टू बी फंक्शनल येट वेरी सेफ. इस पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बाथ टब. रादर देन कम्प्लीटली रिमूविंग इट और कोई नया पूरा अपना टब नया इंस्टॉल करें, ऑब्वियसली उसके साथ कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, तो आप एक टब टचअप का आइडिया जो है अडॉप्ट कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट ग्लूज इन द मार्केट. अगर आपकी कोई चीज़ टूट गई आपके टब की, मे बी अ कॉर्नर ऑफ इट, सो देयर आर सर्टन टाइप ऑफ ग्लूज, वाइट पोर्सिलिन रिपेयर्स उनको कहते हैं, तो आप उनके साथ अपनी चीज़ों को फिक्स इन कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपके पास ये थॉट होनी चाहिए कि हम इस तरह से अपने बाथरूम को बेहतर बना लें. हाँ, अगर चीज़ बिल्कुल ही टूट चुकी है और उसकी हालत ही ऐसी नहीं है कि वो रिपेयर हो सके, डेफिनेटली देन यू नीड टू गो फॉर अ न्यू पीस. इसी तरह हम अगर फॉसेट्स वगैरह की बात करते हैं तो देर आर लिक्विड्स आउट देयर जिनसे आप उनको अच्छा साफ कर सकते हैं. अगर आपके टैप्स वगैरह बिल्कुल काम नहीं करें, देन यू कैन गो फॉर आइदर अ हाई एंड ब्रांड या आप लोकल्स में भी जा सकते हैं. आई पर्सनली विल सजेस्ट कि आप ब्रांड कॉन्शियस रहें एज फार एज योर फॉसेट्स एंड योर फिक्सचर्स आर कंसर्न. जहाँ टाइल्स की बात आ सकती है तब मे बी वी कैन गो फॉर बोथ, या हम लोकल मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं अपने वॉशरूम्स के लिए, क्योंकि टाइल्स ऑब्वियसली अच्छी खासी महंगी होती हैं. बट ये जो फिक्सर्स वाली बात है, यहाँ पे हमें जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट्स द वाटर फ्लो बेसिकली. अगर वही आपका ठीक नहीं आ रहा, अगर आपने इतने कोई अच्छे ब्रांड के नहीं लगाए हुए फिक्सर सारे, तो देन ऑन एंड ऑफ आपको ये प्लम्बिंग इशूज़ और वाटर रिलेटेड इशूज़ मिलते रहते हैं, एंड दैट इज़ अ हैसल सिंस आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन माई हाउस टू. तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि हम अपने कैबिनेट्स वगैरह को रिफ्रेश करवा लें. वी कैन गेट देम पेंटेड इफ़ यू हैव कैबिनेट्स इन योर वॉशरूम्स. आपके जो हैंडल्स हैं उनको आप नया लगवा लें, बिकॉज इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली इतनी एक्सपेंसिव होती भी नहीं है, और उससे ओवरऑल लुक आपकी आपके बाथरूम का वो डेफिनेटली इन्हेंस होता है. जिस तरह आपके सर्कुलर नॉब्स होते हैं, आप उनको जो पुराने ज़माने में भी चलते थे उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं. जो आजकल के ट्रेंडी किस्म के हैंडल्स हैं उनके साथ कैबिनेट्स पॉलिश करवा लें, पॉलिश का कलर चेंज करवा लें, जस्ट टू गिव इट अ डिफरेंट लुक कि पहले जो चीज़ थी वो अब से डिफरेंट लगे. सो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से दिस इज़ गोइंग टू बिकम अ प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ. और बाथरूम में आजकल जैसे आप प्लांटर्स रखने का बहुत कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल ऑब्वियसली, वो चीज़ हो सकती है. इट टोटली गिव्स अ न्यू लुक टू योर स्पेस. ये तो चीज़ आप अपने अदरवाइज भी घर में तो करते ही करते हैं, बाथरूम में भी देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीरियर रेल्म दैट इज़ गोइंग ऑन, जिसमें यही होता है कि आप इवन पेंटिंग्स वगैरह भी हैंग कर लेते हैं, गिवन द फैक्ट कि कितनी जगह अवेलेबल है और कौन सी वॉल पे वो सूट करती है. सो ऑल दिस टाइनी माइन्यूट डिटेल्स विल अपलिफ्ट योर वॉशरूम्स. जो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें दैट इज़ रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ योर फिक्सचर्स बेसिकली. अगर तो आपने अपने प्लम्बिंग पॉइंट्स को रीडू करना है, तो तब ऑब्वियसली आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप अपने फिक्सर वॉशरूम फिक्सर्स को रीअरेंज करवा लें. लेकिन अगर तो आपकी उसी तरह एक कॉस्ट इफेक्टिव रेनोवेशन पे आप फॉलो करना चाह रहे हैं उस चीज़ को, तो डू नॉट गो फॉर द रिप्लेसमेंट थिंग कि आप अपनी अगर आपका सिंक लेफ्ट पे है तो उसको उठा के आप राइट पे करना चाहें. ऑब्वियसली ये इतनी आसान चीज़ नहीं होती, पीछे आपकी पूरी पाइप्स वगैरह लिंक्ड होती हैं, सो डू नॉट गो फॉर दैट. हाँ, इंस्टेड यू कैन रिप्लेस दैट. पहले मैंने बात की थी कि आप उसको रीफिनिश करें और उसी चीज़ को रिटेन करें. इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल देन यू डेफिनेटली नीड टू रिप्लेस द थिंग. एंड इवन इफ रिप्लेसिंग द थिंग इज़ नॉट डूइंग योर जॉब, देन ऑब्वियसली आपको वो टेक्निकलिटीज़ में जाना पड़ेगा कि आप अपना बाथरूम पूरा तोड़वाएं और उसके बाद अपनी प्रॉब्ली अरेंजमेंट जो है, प्लेसमेंट जो है, उसको चेंज करें. लेकिन इसमें बहुत से आर्किटेक्ट्स एंड इवन क्लाइंट्स डू नॉट केटर टू द फैक्ट कि आपने किबला डायरेक्शन देखनी होती है. अच्छा, लास्टली एक और पॉइंट जिससे बहुत ज़्यादा आपके जो बाथरूम की आउटलुक है वो अच्छी दिखेगी. अगर हम बात करें वेंटिलेटर्स की, बेसिकली एक तो एग्जॉस्ट होता है जो आपकी सीलिंग में होते हैं. जो वेंटिलेटर है वो एक कॉमन जो उनका साइज़ है दैट इज़ लाइक 3 feet वाइड लेंथ में हो जाए, 2 foot की हाइट हो, उस चीज़ का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बाथरूम पे. और आजकल क्लाइंट से बात खुद कहते हैं कि जी हमें बड़ी विंडो चाहिए बाथरूम में, लाइक
दे स्पेसिफिकली कॉल इट अ विंडो रादर देन अ वेंटिलेटर. सो जहाँ भी तोड़ फोड़ रिक्वायर्ड है और जिससे कोई चीज़ बेहतर सामने आ सकती है तो वाई नॉट, वन शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. अब जिस तरह आपकी नॉर्मल विंडो अगर हम देखें उसका सेल लेवल चेंज अगर हम रखते हैं तो बाथरूम में भी आप इमेजिन करें चेंज के सेल पे आपकी वो बाथरूम की विंडो होगी विच नो मोर देन बिकम्स अ वेंटिलेटर एज सच, तो वो भी एक खुली खुली फीलिंग देता है आपके बाथरूम को और ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस की जा रही है अब. सो बेसिकली आप बहुत कम पैसों के अंदर और एक अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें इन चीज़ों को तो आप एक बहुत बजट फ्रेंडली तरीके से अपने बाथरूम को एक नई लुक दे सकते हैं. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली गिव इट अ थम्स अप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़.